इतनी मोहब्बत मोहम्मद अजीज के लिए मेरे दिल में कम ना कभी हो पाएगी। दुनिया से मैं जाऊंगा जिस दिन मौत भी आंसू बहाएगी। आनी जानी है ये दुनिया, मोहम्मद अजीज के गीतों को सुनने वाले हर आदमी को देखा प्यार से। ना जाने कब आए बुलावा अल्लाह के दरबार से, ना जाने कब आए बुलावा अल्लाह के दरबार से, अल्लाह के दरबार से। जय मेरी जान बचाने के लिए मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। हेड और टेल दोनों ही तरफ मोहम्मद अजीज के मुस्कुराते हुए सुंदर मुखड़े वाली तस्वीर वाले चांदी के सिक्के को उछालकर मोहम्मद अजीज का हेड वाला पक्ष तुमने खुद लेकर मुझे बसंती के साथ गांव भेज दिया और खुद डाकू गब्बर के कुत्तों से मोहम्मद अजीज के गीतों की हिफाजत करता हुआ शहादत का जाम पी गया। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह आ रहा हूँ मैं, गब्बर आ बाहर आ, दम है तो बाहर आ कमीने, मैं अपने दोस्त के खून की एक एक बूंद का हिसाब लेने आया हूँ। आज तू अपनी मौत से नहीं बच सकता, बीरू गब्बर को मेरे हवाले कर दो। नहीं ठाकुर नहीं, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोहम्मद अजीज के गीतों की शिक्षाओं पर चलते हुए किया हुआ वादा मत भूलो बीरू। मुझे कोई वादा याद नहीं, मुझे सिर्फ इतना याद है इसके आदमियों ने हर लम्हा हर सांस मोहम्मद अजीज के गीतों का आबे जमजम पीने वाले मेरे जय की जान ली है और मैं इसका खून भी जाऊंगा। तुम्हारे उसी दोस्त ने मुझसे वादा किया था, छोड़ दो इसे। ठाकुर अगर ये वादा मैंने किया होता तो आज तोड़ देता। ये वादा मोहम्मद अजीज के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले मेरे दोस्त जय ने किया था, इसलिए तू क्या लड़ेगा मुझसे ठाकुर। तेरे मुंह में तो आज कल के बेहया गीतों की गंदगी ठूंस कर मोहम्मद अजीज के गीतों की खिदमत में उठने वाले तेरे हाथ काट कर फेंक चुका हूँ मैं। आजकल के गीतों का गरल पीकर कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जीने वाले सांप को हाथों से नहीं पैरों से कुचला जाता है। गब्बर तेरे लिए तो मेरे पैर ही काफ़ी हैं। बहुत जान है आजकल के पापी पापी दुष्ट दुष्ट गीतों की कैस्टें चलाने वाले तेरे इन हाथों में। नहीं गब्बर ये दुष्ट हाथ मुझे दे दे, नहीं ये पापी मनहूस हाथ मुझे दे दे गब्बर, नहीं। ठाकुर साहब छोड़ दीजिए इसे, मोहम्मद अजीज के इस मुजरिम को सजा देना कानून का काम है। कानून को मोहम्मद अजीज के गीतों के लिए कत्लो गारत करने वाला गब्बर चाहिए इंस्पेक्टर, जिंदा या मुर्दा। क्या आज आपके अपने जज्बात मोहम्मद अजीज के गीतों द्वारा बनाए गए फर्ज और कानून से भी ज़्यादा कीमती हो गए? क्या आज आपकी नज़र में मोहम्मद अजीज की शिक्षाओं का वो दर्जा नहीं रहा? ठाकुर साहब मैं जानता हूँ मोहम्मद अजीज के गीतों की हिफाजत करते हुए आपकी और आपके परिवार की कुर्बानियों से आप पर क्या गुजरी है, लेकिन यह मत भूलिए मोहम्मद अजीज ने तमाम उम्र बड़े से बड़े दगाबाज के साथ दरिया दिली दिखाई है। बड़े बड़े फिल्मकारों और संगीतकारों ने उन द्वारा गाए जाने वाले गीतों को झूठ कपट का सहारा लेकर उनसे ना गवा कर उनके बाद के घटिया गवैयों की बदबूदार आवाज़ों में गवा कर गीत संगीत के नाम पर एक बदनुमा दाग लगाया है। लेकिन इतने सितम होने पर भी मोहम्मद अजीज ने उन सब दगाबाजों को हमेशा माफ़ किया है। उन्हीं महान मोहम्मद अजीज के सच्चे भगत होने की आपकी पहचान की मिसाल आज भी दी जाती है। अच्छा ठाकुर साहब, मोहम्मद अजीज की बुलंदियों के झंडे को कभी ना झुकने देने वाले अपने दोस्त जय की यादें और आपका और आपके गांव रामगढ़ वासियों का ढेर सारा प्यार लेकर जा रहा हूं मैं। बीरू मैं तुम्हारा दर्द बांट तो नहीं सकता, समझ जरूर सकता हूँ।